नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत रहस्य YouTube चैनल में। इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं दुनिया के अद्भुत और आश्चर्यजनक कर देने वाले रोमांचक किस्से और कहानियाँ। बहुत सारे ऐसे रोमांचक बातें जो जुड़ी होती हैं ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों से। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए अद्भुत रहस्य YouTube चैनल, क्लिक कीजिए बेल आइकन पर जिससे कि आप सबको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारी वीडियोस लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। क्या चींटियों को खाने से बढ़ सकती हैं हमारी उम्र? कोलंबिया के इंडीज पहाड़ों पर बसे औपनिवेशिक शहर बारिचरा में साल का सबसे अहम दिन क्रिसमस, नया साल या ईस्टर का नहीं होता। यहाँ साल के सबसे अहम दिन को स्थानीय लोग ला सलेडा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बाहर निकलना। इस दिन बारिचरा की गलियों में कुछ होने की आशा बढ़ जाती है। गलियाँ बुहारने वाले और घरों में साफ सफाई करने वाले लोग अपना काम बंद कर देते हैं। बच्चे स्कूल से बाहर निकल आते हैं और दुकानदार दुकान छोड़कर गायब हो जाते हैं। सभी लोग बेशकीमती होर्मिंगस कुलोनस या बड़ी चींटी की तलाश में रहते हैं, जिनको उत्तर मध्य कोलंबिया के सांटेदार इलाके में कैवियर यानी कि मछली के बेशकीमती अंडे समझा जाता है। हर साल बसंत के आसपास के देहाती इलाकों में ऐसी लाखों चींटियां पकड़ी जाती हैं। मनोवैज्ञानिक से शेफ बनी मार्गरिटा हिगुएरा 2000 से बारिचरा में रह रही हैं। वे कहती हैं, इसमें पहले आओ पहले पाओ चलता है। अगर आपने किसी चींटी के घोंसले के ऊपर अपनी बाल्टी रखी तो वह आपका हुआ, भले ही जमीन आपकी हो या ना हो। चींटी पकड़ने का उत्सव हर साल मार्च या अप्रैल में यह उत्सव तब होता है जब भारी बारिश के बाद तेज धूप निकली हो और रात में चांदनी बिखरी हो। ला सलेडा से चींटियों का सालाना प्रजनन मौसम शुरू होता है जो 2 महीने तक जारी रह सकता है। इसी दौरान स्थानीय लोग ज्यादा से ज्यादा रानी चींटियों को पकड़ने के लिए छीना झपटी करते हैं। अंडों से भरी हुई और प्रजनन के लिए तैयार भूरी कॉकरोच के आकार की रानी चींटियां किसी ट्रॉफी की तरह होती हैं। उनका पिछला हिस्सा फूलकर मटर के दाने जैसा होता है। इसे नमक मिलाकर भूनने से यह मूंगफली, पॉपकॉर्न या खस्ते बेकन जैसा लजीज हो जाता है। चींटियों के पंखों को अलग करते हुए हिगुएरा कहती हैं, मेरे लिए यह जायका अनोखा होता है, यह मेरे अतीत की याद दिलाता है। मुझे याद है कि एक बार मेरे दादाजी चींटियों से भरा एक पूरा बैरल खरीद कर लाए थे। हम अंदर उनके सरसराने की आवाज सुन सकते थे। उनको तैयार करने के लिए पूरा परिवार एक साथ बैठा था। रानी चींटियों को लजीज पकवान की तरह खाया जाता है। सड़क किनारे की कुछ दुकानों में उनको तैयार किया जाता है। कामकाजी परिवारों की रसोइयों में उनको भुना जाता है और वे पूरे कोलंबिया के महंगे रेस्टोरेंट के मेन्यू में शामिल हैं। 1 किलो रानी चींटियों के बदले 3 लाख पैसों यानी कि 65 पाउंड मिल सकते हैं। इस तरह ये कोलंबिया के मशहूर कॉफी से भी महंगे हैं। स्थानीय लोगों के लिए कमाई के अच्छे स्रोत हैं। बारिचरा में सड़कों की सफाई करने वाले फेडरिको पेड्राजा कहते हैं, होर्मिंगस जमा करके एक ही दिन में मैं हफ्ते भर के बराबर कमा सकता हूँ, लेकिन यह मुश्किल काम है। चींटियां रानी चींटी को आसानी से ले जाने नहीं देती। खतरा बहुत है। यह काम टखने की ऊंचाई तक के रबर बूट और लंबी आस्तीन पहनकर किया जाता है। काम तेजी से निपटाना पड़ता है, वरना रानी की सुरक्षा के लिए तैनात कॉलोनी की सैनिक चींटियां हमला कर देती हैं। उनके काटने से तीखा दर्द होता है और खून बाहर आ सकता है। गांव वाले खेतों में फैल जाते हैं और उनके पास जो भी हो, थैला, मग, बर्तन या बोरा, उसमें रानी चींटियों को जमा करते जाते हैं। यह काम दिन में होता है जबकि उनका लजीज पकवान रात के भोजन में खाया जाता है। एटा लाविगाटा प्रजाति की चींटियां दक्षिण अमेरिका की लीफ अटकर चींटियों के नाम से भी जानी जाती हैं। उनमें भरपूर प्रोटीन होता है, साथ ही ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भी भरी होती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता। फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन जर्नल में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि चींटियों में एंटीऑक्सीडेंट होता है और उनको नियमित रूप से खाने से कैंसर रोकने में मदद मिल सकती है। यही वजह है कि बारिचरा के लोग लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीते हैं। यह दावा है सेसिलिया गोजालेज क्विंटेरो का, जो पिछले 20 साल से कांच के जार में चींटियां बेच रही हैं। चींटियां हमें विशेष ताकत देती हैं, खासकर बड़ी नितंब वाली रसदार चींटियां। पारंपरिक खाना सांटेदार के आसपास पिछले 1400 साल से होर्मिंगस कुलोनस को खाया जाता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक मध्य कोलंबिया के देसी गुआन लोगों ने सबसे पहले 7वीं सदी में चींटियों की खेती और उसे खाना शुरू किया था। बाद में स्पेन से आए लोगों ने भी ये आदत अपना ली। जिन परिस्थितियों में इन चींटियों को पकड़ा जाता है, उस वजह से इनको कामोत्तेजक भी माना जाता है। शादियों में अक्सर चीनी मिट्टी के बर्तनों में भरकर इनको उपहार के तौर पर दिया जाता है। इंडीज के देसी समुदाय में यह प्रथा आम है। नारंगी पीली जमीन पर चलने और इसी रंग की मिट्टी से पारंपरिक घर बनाने के कारण इन समुदायों को पीले पैर वाले समुदाय के रूप में जाना जाता है। पास के बुकरमंगा शहर में इन चींटियों की बड़ी बड़ी धातु की मूर्तियां बनाई गई हैं। टैक्सी ड्राइवर भुने हुए कुरकुरे होर्मिंगस खाने के लिए रुकते हैं और बच्चे चींटियों के खिलौने से खेलते हैं। कोलंबिया का लजीज पकवान। हाल के वर्षों में चींटियों के खाने की लोकप्रियता बढ़ी है।
इसकी पहचान अब स्थानीय व्यंजन की जगह पौष्टिक खाने की हो गई है। ग्राहकों की मांग पूरी करने के लिए हर साल ट्रकों में भरकर रानी चींटियां पूरे कोलंबिया में भेजी जाती हैं। राजधानी बोगोटा के महंगे रेस्टोरेंट के सीजनल मेन्यू में भी उनको शामिल किया गया है, जैसे मिनी माल जिसमें चींटियों को अमेजोन की पिरारुक मछली के साथ परोसा जाता है या भुने हुए बीफ के साथ काली मिर्च और चींटियों की चटनी दी जाती है। शेफ एडुआर्डो मार्टिनेज कहते हैं चींटियां कोलंबिया के खान पान का अहम हिस्सा है। मार्टिनेज ने चींटियों को पहली बार तब चखा था जब वे 9 साल के थे और परिवार के साथ सांटेदार आए थे। मैं उनका प्रयोग को बढ़ावा देना चाहता हूं ताकि ये परंपरा कायम रहे। क्या चींटियां खत्म हो जाएंगी? हाल में पेड़ कटने और शहरीकरण के कारण चींटियों और सांटेदार के लोगों के बीच समस्याएं पैदा हुई हैं। आबादी बढ़ने से चींटियां इमारतों की नींव में घुस जाती हैं। वे फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं जिससे किसानों के झगड़े होते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन ने भी चींटियों के प्रजनन चक्र को प्रभावित किया है। अनियमित मौसम ने उनकी कॉलोनियों में आर्द्रता, धूप और बारिश के संतुलन को बिगाड़ दिया है। उनका मेटिंग सीजन बहुत विशिष्ट मौसम परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि मिट्टी मुलायम ना हो तो रानी चींटियां अपनी भूमिगत सुरंगों से आसानी से बाहर नहीं आ सकती। इसी तरह पेड़ कटने और शहरीकरण बढ़ने से चींटियों के प्राकृतिक आवास पर भी असर पड़ा है। उनके घोंसले फैलने की जगह सीमित हो गए हैं। बड़े पैमानों पर खपत के लिए चींटियों की ब्रीडिंग के तरीकों का अध्ययन कर रही बुकरमंगा की रिसर्चर ओरा जुडिट कुआड्रोस कहती हैं, यदि सही स्थितियां नहीं है तो चींटियां पैदा नहीं हो सकती या वे जमीन पर बाहर नहीं निकल सकती। फिर भी बारिचरा के ढलानों से लेकर सैन गिल, क्यूरिटी, विलेनुएवा और गुआन शहरों के चारों ओर फैली घाटियों में उनके मिलने का मतलब है कि इन चींटियों के अस्तित्व पर अभी कोई खतरा नहीं है। लड़ाकू चींटियां यानी गाइड और चींटी विशेषज्ञ एलेक्स जिमेनेज ने पेड़ की टहनी से चींटियों के घोंसले के दरवाजे पर कुछ हरकत की। कुछ ही देर में सैकड़ों सैनिक चींटियां हालात को समझने के लिए बाहर निकल आईं। जिमेनेज के मुताबिक एक घोंसले में कई हजार से लेकर 50 लाख तक चींटियां हो सकती हैं। अगर सुरंगें सही बनाई गई हों तो उनकी लंबाई कई मील तक हो सकती है। घोंसले की रानी चींटी 15 साल तक जिंदा रहती है, लेकिन उसके मरने के बाद कॉलोनी को वहां से जाना पड़ता है और नया निर्माण करना पड़ता है। जिमेनेज कहते हैं चींटियों की अपनी समझदारी होती है, वे मिलकर काम करते हैं ताकि सबका अस्तित्व बना रहे। हजारों सालों से उनको खाया जा रहा है लेकिन वे खत्म नहीं होंगी। अपनी बात साबित करने के लिए जिमेनेज पिछले साल का अनुभव बताते हैं। चींटियों के प्रजनन मौसम में जिमेनेज अपने दोस्तों के साथ 6 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकले थे। देहाती इलाकों की उनकी यात्रा में 30 मिनट लगने चाहिए थे लेकिन उसमें 4 घंटे लगे, क्योंकि चींटियों को देखकर उनका दल रुक जाता था और अधिक से अधिक चींटियों को इकट्ठा करता था। पहाड़ियों पर पूरा गांव उनके साथ चींटियां जमा करने में जुट गया। उस रात पूरा शहर होर्मिंगस की खुशबू से भर गया था। होर्मिंगस, होर्मिंगस, होर्मिंगस। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रोचक जानकारी है तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो देखते रहिए अद्भुत रहस्य यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।